हाय गाइस, दिस इज रचना मिस्त्री, योर स्वीट एंड कंफ्यूज्ड विधि ऑन वायरल टीवी। आई थिंक विधि इज ऑन क्लाउड 9 अलोंग विद रचना। बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है ऑडियंस से, फैंस से, स्टोरी फॉलो कर रहे हैं सबसे। सेट पे तो एक अलग लेवल की खुशी है, यू कैन सी। आई थिंक 100 एपिसोड हो गए, 100 एपिसोड हो गए, 1000 तो कर लेंगे यार। लाइक 50 एपिसोड, 100 एपिसोड, 150 एपिसोड, 200 एपिसोड। इट दी देव को मिलने में वक्त लगा, उधर से देखने में वक्त लगा, प्यार का इजहार करने में वक्त लगा। आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग इन वर्ड्स। God, I think Vidhi is on cloud 9 along with Rachna. But we all are very happy, we all are very excited, and बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है audience से, fans से, जो लोग story follow कर रहे हैं सबसे। तो इतना अच्छा लग रहा है ना कि उन वो लोग खुश है, ये देख के हमें खुशी हो रही है कि हाँ चलो, we are able to do something that they are liking। हम कुछ ऐसा पेश कर रहे हैं उनके सामने जो उन्हें पसंद आ रहा है, बिकॉज दैट्स द होल थिंग, दैट्स द होल पॉइंट। बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि कब विधि देव को बोलेगी, कब देव मानेंगे कि हाँ उन्हें भी प्यार है। तो वो सब चीज़ें हो रही है, पीपल आर एंजॉयिंग इट, पीपल आर लविंग इट। सो एंड अबाउट द 100 एपिसोड थिंग, सेट पे तो एक अलग लेवल की खुशी है, यू कैन सी। आई थिंक एवरीबडी बार बार शायद बोल नहीं रहे, लेकिन सबके दिल में 100 एपिसोड हो गए, 100 एपिसोड हो गए। सो यू आर वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। विधि ने तो 1000 तक की पकड़ रखी है, बीइंग वेरी फ्रैंक। आई एम लाइक 1000 तो कर लेंगे यार विधि और देव मिलके, अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बट आई फील एवरी अचीवमेंट दैट वी हैव, लाइक 50 एपिसोड, 100 एपिसोड, 150 एपिसोड, 200 एपिसोड, इट ऑल काउंट्स। बिकॉज यू वोंट बिलीव, बट दिन रात की मेहनत है हर एक इंसान की हु इज़ वर्किंग ऑन द शो, बी द एडिटिंग टीम, बी द क्रिएटिव टीम, बी द ऑन सेट टीम, एवरीबडी, एवरीबडी। सो आई फील एवरी स्मॉल अचीवमेंट दैट वी डू इज शुड बी सेलिब्रेटेड लाइक 1000 एपिसोड्स। सो याद, बट हाँ मैं सोच रही हूँ, मतलब हम दोनों मिलकर कर लेंगे ना, 1000 तो पहुँच जाएंगे ना, फिर देखते हैं। being very frank to you, we were very happy about the fact that we are doing, coming up with such a show and all. But obviously baatein kahin na kahin back of the mind, वो एक अनकही बात होती है कि विल पीपल बाय इट, विल वी बी एबल टू क्रिएट दैट मैजिक ऑन स्क्रीन। मतलब वो लोगों को फील होगा, ऐसा अटपटा नहीं लगना चाहिए। बहुत दिमाग में, सबके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, बट जब लोगों ने इतना प्यार दिया ना, एंड दे हैव एक्सेप्टेड अस विद सच एन ओपन आर्म्स, क्योंकि हर चीज़ को वक्त लगा, विधि देव को मिलने में वक्त लगा, दोनों को एक दूसरे को उस नज़र से देखने में वक्त लगा, प्यार का इजहार करने में वक्त लगा, और लोगों ने उस दौरान पेशेंस बना के रखा। तो इतना 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 अच्छा लगा ना हमें, मतलब हम सबको इतना, आई टेल यू, ईच एडिट दैट अ फैन मेक्स, एनीबडी और फॉर दैट मैटर ईच पर्सन जो हमारे शो का कोई भी क्लिप या कोई भी प्रोमो अपने स्टोरी पे शेयर करते हैं और टैग करते हैं, आई कॉन्ट टेल यू, हाफ ऑफ द टाइम तो नेटवर्क की वजह से मैं रीशेयर नहीं कर पाती, बिकॉज यहाँ पर नेटवर्क नहीं होता। बट इट फील्स सो 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 गुड दैट Yes, they are liking it. So, yeah, मतलब it's, I can't express that feeling in words. आपने सही कहा, विधि एपिसोड भूले नहीं होते कि वो रील्स बनाना स्टार्ट कर देती, ये सारी चीज़ें करती है, आप लोगों का उनकी तरफ। और इतने प्यारे एडिट्स, इतने प्यारे, मतलब ओ गॉड, मतलब आई थिंक इतना वक्त नहीं मिल पाता मुझे और इकबाल सर को कि हम लोग पिक्चर्स क्लिक करें या कुछ, बट वो लोग इतने क्यूट एडिट्स बनाते हैं ना कि आई थिंक सम ऑफ देम तो आप सेव्ड एंड हमने, यार ये मुझे खुद के इस पर पोस्ट करना है, बिकॉज मेरे पास तो पिक्चर्स है ही नहीं ना। सो लाइक दैट्स, दे आर सो ब्यूटीफुल एंड दे टेक सो मच ऑफ एफर्ट्स। या उसके लिए भी आई थिंक इसका पूरा क्रेडिट ऑडियंस को जाता है,
फैंस को जाता है जिन्होंने इतने प्यार से इतने चाव से हमारा शो देखा और बंधे रहे हमारे साथ. ऐसे नहीं यार इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम, क्योंकि कई लोग ऐसा भी बोल रहे थे यार ये दोनों कब मिलेंगे, कब इनको प्यार होगा, कब होगा, कब. पर यू नो पीपल वर वेटिंग, तो हर वो एक जो विधि फील कर रही थी उसके हर इमोशन को उन्होंने उतना ही प्यार दिया, उसे उतना सब्र के साथ देखा. तो उसके लिए आई थिंक इसका बहुत बड़ा क्रेडिट ऑडियंस को जाता है. सो प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए, थोड़ा और प्यार दीजिए, मतलब प्यार जितना आएगा उतना चलेगा. एंड बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, सो उसके लिए भी वेट कीजिए. जो जो आप सब लोग वेट कर रहे थे देखने के लिए वो सब देखने मिलेगा, मैं ये भी बता रही हूँ. सो बस ऐसे ही पेशेंस के साथ बंधे रहिएगा हमारे साथ.